एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गुरुवार की देर रात्रि खोराबाड़ थाने का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जन सुनवाई या जन शिकायतों का निस्तारण गोरखपुर पुलिस की उच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए सभी थानों पर जन सुनवाई अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिससे अगर कोई थाने पर फरियादी आता है तो उसका वहां बैठने की व्यवस्था किया जाए, जिसको जांचने के लिए सभी थानों के निरीक्षण किया जा रहा है। गुरुवार को खोराबाड़ थाने व उससे पहले रामगढ़ताल राजघाट थाने का निरीक्षण किया गया था। थाने की जन सुनवाई रजिस्टर को चेक किया गया कि थाने पर आ रही जन शिकायतों का किस तरह से निस्तारण किया जा रहा है। सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि जन सुनवाई अधिकारी थाने पर मौजूद रहे, जिससे अगर किसी भी समय फरियादी थाने पर आता है तो उसके प्रार्थना पत्र को लेकर गुणवत्ता पूर्वक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, चार जुलाई से और 3 अगस्त 3 सितंबर नब्बे लिखे गए और निस्तारण कितनों का हुआ? जितने वादे हैं उतने उसमें 420 400 जितने वादे होंगे क्या है क्या समस्या है क्या नहीं है? क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, जन सुनवाई और जन शिकायतों का निस्तारण गोरखपुर पुलिस की सबसे उच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए हर थाने पर जन सुनवाई अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसी के साथ साथ जो प्रार्थी और जो शिकायतकर्ता थाने पर आते हैं उनके लिए मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसका व्यवस्था वहां पर की जाए, इसलिए लगातार सभी अधिकारियों द्वारा थानों का निरीक्षण भौतिक रूप से किया जाता है। इसी क्रम में कल खोराबाड़ थाने का और इससे पूर्व अन्य थानों का भी जो है निरीक्षण किया गया था। इसमें जो प्रार्थी वहां पर आ रहे हैं उनके प्रार्थना पत्र पर समयबद्ध रूप से और मेरिट के आधार पर क्या कार्रवाई हुई है उसकी गुणवत्ता को भी चेक किया गया है और यही निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे में हर समय पर थाने पर नियुक्त जन सुनवाई अधिकारी वहां पर प्रेजेंट रहें और प्रार्थी किसी भी समय पर आता है तो उसकी प्रार्थना पत्र लेकर त्वरित और गुणवत्तापूर्वक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।